बठिंडा से कमल शर्मा, यहाँ पे पुजारी हूँ और मैं गिरी गंगा के बारे में आपको पास करता हूँ जी। 14वीं 15वीं शताब्दी में ये महात्मा जी अपने कमंडल में हरिद्वार से गंगा लाए, तो यहाँ कई साल तपस्या की। एक रोज जैसे ब्राह्मण के लिए जा रहे थे, उनके हाथ से कमंडल गिर गया, मुख से निकला गिरी नाम हो गया। जो कमंडल में पानी था उसकी धार आज भी बहती है और बतौर गंगा जल उसको लोग ले जाते हैं। यहाँ पे ये उल्टी गंगा है जी, ये आप हमारे जुब्बल की तरफ जानी थी, ये आपके सिरमौर की हो जाती है। यहाँ मेन मंदिर गंगा जी का है जी। जितना महत्व हरिद्वार का है उतना ही महत्व गिरी गंगा का। चार मंदिर है, मेन मंदिर गंगा जी का है, साथ में गंगा जी का कौन सा है जी? अच्छा ये गंगा जी का, अच्छा जी। साथ में शिव द्वारा है, अच्छा जी। साथ में ठाकुर द्वारा है जी। ऊपर पैड़ियों में जो मंदिर है, हाँ जी, वो काली ठीक, अच्छा जी। यहाँ पे अस्थि विसर्जन भी होता है, अच्छा जी ठीक है। अस्थि विसर्जन जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं, और यहाँ देवी देवताओं का स्नान भी होता है। विसाख की संक्रांति में यहाँ देवी देवताएँ, उनको ही 15-16 देवी देवताएँ आते हैं जो स्नान करके जाते हैं, और समावती अमावस्या के दिन लोग यहाँ मेला लगता है जिसमें भंडारा भी होता है। जितना पवित्र हरिद्वार है उतना ही पवित्र यहाँ भी गिरी गंगा की। ठीक, बाकी आपने